और मुंबई पुलिस ठोकता है। एक साल लेके देख लीजिए कानून को। कौन? रजत शर्मा। तो रजत शर्मा को काहे के दलाली मिला नहीं मालूम है, पद्म सम्मान काहे मिला है, नेहरू म्यूजियम में मेंबर कैसे बनाया गया है, वाई प्लस सुरक्षा कैसे दी गई है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर कैसे बनाया गया। पत्रकार है, देशभक्त पत्रकार है। अरे भैया आप तो सब देशभक्त हैं, आप मुजरा गाते हैं। सुनिए, आप लोग सारे के सारे मीडिया के पत्रकार गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं, देश बेच रहे हैं। रजत शर्मा को शर्म नहीं आती जो पौने दो आंख वाला बाबा रामदेव आपकी अदालत लगाता है, कहता है भाइयों 200 रुपये का सिलेंडर मिलना चाहिए कि नहीं, 25 रुपये पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए कि नहीं। अच्छे दिन आ गया है, 500 के नोट का गड्डी लगाने वाले थे काला धन का, जो स्वर्ग से लोग नीचे उतर जाता तो रजत शर्मा देशभक्त हो गया, देशद्रोही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, यही लोग भांड की तरह पहले राजा के महाराजा भांड रखते थे, अब यह देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार रखते हैं। एक बात बताइए, काहे का वाई प्लस सुरक्षा दिया गया भैया, है काहे का बताइए ना आप हमको। पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार। छक मराते तलवा चाटते हैं तभी ना मिला है। 10 रुपया कोई किसी को नहीं देता, आप दे दीजिएगा हमको 10 रुपया, दे दीजिए किसी बच्चे को। नेग का पैसा अपने रिश्तेदार को देता है, तो इन पत्रकारों को राज्यसभा का सदस्य, बोर्ड में सलाहकार, वाई प्लस सुरक्षा। कभी के रजत शर्मा क्रिकेट के बैट के बल्ला पकड़े हैं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर हो गया। शर्म नहीं आती इन दरिंदों को, जालिम दरिंदों को। देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर आवारा कुत्ते की तरह प्लेट चाटने में लगा है, बोटी कुतुर कुतुर के खा रहा है, देश की स्थिति क्या हो गई? कभी सवाल किया रजत शर्मा? बताइए, बिल्ली को अगर दूध की रखवाली दीजिएगा तो बिल्ली क्या कहेगा, हम दूध नहीं पीते हैं। मछली का बगुला क्या कहेगा कि हम मछली नहीं खाते हैं। अरे कैसे बनाया जाता है आप समझिए। जब दैनिक भास्कर के प्रमुख मोहित अग्रवाल को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया तो हम आप क्या सोचिएगा कि कोई प्रिंट मीडिया हमारा आपके खबर को दिखाएगा? जब भारत का लुटेरा सुभाष चंद्रा जो बीजेपी राज्यसभा सदस्य बनाया, जिसने यस बैंक में डकैती की जिसके कारण यस बैंक डूब गया, तो आप क्या सोचते हैं कि सुभाष चंद्रा सही खबर दिखाएगा? जब रिपब्लिक भारत का मालिक दो कौड़ी के लुचा लफंगा पत्रकार अर्णव गोस्वामी का पार्टनर है, जो बीपीएल का मालिक है, जो राज्यसभा सदस्य है, तो हम आप क्या उम्मीद करेंगे कि रिपब्लिक भारत पूछता है भारत दिखाएगा, थूकता है भारत। आखिर 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने तक देश से नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना को क्यों छुपाया? सवाल है, माँ का दूध पिया है, सवाल रजत शर्मा कर सकता है मोदी से? आप बात करते हैं 31 दिसंबर को WHO आया, रजत शर्मा ने माँ का दूध पिया है, पुलवामा घटना की जिक्र कर सकता है, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सकता है? क्या सैटेलाइट पंजाब हरियाणा के किसानों के खेत की पराली जलती है तो यह बताता है कि सैटेलाइट की पराली जल रहा है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है? रजत शर्मा जी शर्म करो, बुढ़ापे की हड्डी टूटती है तो दोबारा जुटती नहीं, ये देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाई हैं। आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं हम पर जबरदस्ती थोपने वाले? थोपना ही था तो आप जसोदाबेन पर न थोपते? अगर समझिए, अगर थोपे होते आप मोदी जी बादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तोता में और मोर में खेलना पड़ता, जिस दिन से मोर और तोता को हाथ लगाया बर्ड फ्लू हो गया, ऐसा पनौती है। देखिए समझिए पनौती कितना बड़ा है, किसान बर्ड फ्लू चिकन खा के। सुनिए, इतना भी भरवा मत बनिए भैया, कहे ना कि आप जैसे पत्रकारों का दिल करता है जूता खोल के पिटाई करें, जिसकी मांग भरा हाथ लगाया, बेचारी भरी जवानी सुहागन विधवा नहीं रही। गुजरात में मुख्यमंत्री बना, समझिए गुजरात में मुख्यमंत्री बना, गुजरात जल रहा था, देश का प्रधानमंत्री बना था, देश के हालात देख लीजिए। इजराइल गया तो वहाँ के राष्ट्रपति का क्या हुआ, ब्रिटेन गया तो क्या हुआ, नवाज शरीफ के पास हाल ओढ़ने गया तो बेचारा का देखवे की है, समझिए। अमरीका गया ट्रंप का क्या हाल हुआ, समझिए बात को। अब वही हाल हुआ कि उसने मोर को हाथ लगा दिया तोता को, बट भुलू हो गया। तो भैया हमको नहीं चाहिए आपका कानून, समझिए प्रधानमंत्री जी के एक भी बात को दे। मैं पंकज जी एक बात पूछ रहा हूँ, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल को गलत ठहरा दिया, उसके बाद सरकार भी अपनी जिद पड़ी है कि नहीं हम तो बिल नहीं लेंगे वापस, आप तो क्या करना, आप क्या है? आप समझिए, ये बिल नहीं है, ये बिल नहीं है, ये कोयले की तरह काला है, सारी देश ने माना है, खुद प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन रामू काका को एक ही बात की जिद है, ये कोई नया मालिक बच्चा तो नहीं कि नए मालिक को समझाएंगे, मुकेश अंबानी को समझाना है। तो जो कहता था अपने को माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल, देश ने देखा है। जब मुकेश अंबानी जियो फोन को लॉन्च करते हैं तो प्रधानमंत्री MTNL और BSNL कंपनी को डुबोते हैं, और उसके ब्रांड एम्बेसडर सेल्समैन सप्लायर तीनों बनते हैं, सरकारी कंपनियों में जियो फोन बांटी जाती है।
खुद प्रधानमंत्री जी को इतनी भी संवेदना नहीं है कि पूरे देश में 30 दिन का कैलेंडर चलता है और मोदी सरकार में 28 दिन का कैलेंडर चलता है दूरसंचार कंपनियों में। आप समझिए, आप यानी 27 दिन में रिचार्ज कराइए और उन कंपनियों से चंदा ले लिया, पार्टी का कार्यालय बना लिया, 1000 कार्यालय बना लिया, और भी कार्यालय बनाने हैं देश में। एक भी अस्पताल नहीं बनाया, एक भी स्कूल कॉलेज नहीं बनाया। एक बात बताइए, जब लाइफ टाइम वैलिडिटी है तो कंपलसरी 49 रुपये का रिचार्ज कराना जरूरी था। अरे आप लोग दलाली फरवागिरी करते, शर्म नहीं आता? कौन कहेगा आपको पत्रकार? आप लोग लोकतंत्र में जंगल की तरह हैं, बिल्कुल खा रहे देश को, शर्म नहीं आती? देश का जीडीपी कहाँ है? देश में हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, बेरोजगार बना दिया, लोगों को ट्रेनें बंद कर दी गई, देश का जीडीपी माइनस में चला गया, हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, इनसे सरहद नहीं संभली, सैटेलाइट ये नहीं बताया कि गलवान में कब चाइना आ गया। आप लोग इतने बेशरम और निर्लज हो गए, काहे के लिए पत्रकारिता करते हैं? आप लोग घाघरा चोली पहन लीजिए, ठुमका लगाइए, चौचौराहे पर नाचिएगा, दो चार रुपये लोग समझ के प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, कक्ष में जा रहे हैं, हर जगह लोगों को समझा रहे हैं, उनके प्रवक्ता समझा रहे हैं, आप अरे पर कौन संदीप पात्रा, हराम खोर 27 लाख रुपये का ONGC से पैकेज लेता है, जो गुजरात गैस लिमिटेड डूब रहा था उसको ONGC में कन्वर्ट कर दिया, भारत की नवरत्न कंपनी थी, आप बेशर्मी की हद पार कीजिएगा। वही संदीप पात्रा 27 लाख रुपये का ONGC से फ्री का पैकेज लेता है और बुलानी के नाम पर मकान लेके रहता है, फ्री का खाने वाला 12 हिंदू राव में था, उस महिला के साथ क्या हुआ आप कभी पूछा सवाल? जब नोटबंदी था 66.5 लाख रुपये पुराने नोट 500 1000 रुपये के कहाँ है? हैं, कितना बेवकूफ़ी वाली बात कहते हैं, 1500 का नोट बंद कर दिया, 2000 का नोट चालू कर दिए, कहते भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। है जो आदमी आपने कहा समझ नहीं पा रहा है, अकेला एक जसोदा बेन को नरेंद्र मोदी जी को समझाना था, जिसके मांग में सिंदूर भरे उसकी मांग नहीं पूरी कर पाए, जिसके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए, सात जन्म जीने की कसम खाई, जब उसको नहीं समझा पाया तो 130 करोड़ 35 करोड़ के लिए छोड़े, घर छोड़ दिए, परिवार, अगर आपके पिताजी देश सेवा के लिए आपकी माँ को छोड़ दिए होते तब होते हिंदू थे, पहले बात समझिए, इसे बात सुनिए, पत्रकारिता करते अच्छा नहीं लगता है ये सब बात सुनिए, पहले बात देश सेवा से बढ़ के होता है, आप समझिए, आप चाहे जिस धर्म में जन्म लिए, आप अगर सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे तो सृष्टि चलेगी कैसे? अगर सब आदमी सब कन्याओं से शादी करके छोड़ दे तो हमारे देश की माँ बहनों का क्या होगा? आप समझिए, आप अर्ज किया है तबाह होकर, तबाही नहीं दिखती है तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। आप जसोदा बहन जी के पिताजी से मिलिएगा, पूछिएगा कि आपके बेटी को भरी जवानी मोदी जी ने न सुहागन छोड़ा न विधवा, घूट घूट कर मरने को विवश किया देशभक्ति में, कितना बेशर्म है आप, छोड़ दीजिए पत्रकार। एक आरोप आप पे ये, जब किसान नेता कहते हैं कि आंदोलन 2024 तक चलेगा तो एक आरोप लगता है कि आप राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में तो लोकसभा चुनाव है। आप माने आपके कहने के डर से, समझिए आज जो देश में आप लोगों ने गैंगस्टर की भूमिका निभाई, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आने से कतरा रहे, तमाम सेलिब्रिटी, तमाम वो लोग जो उच्च पदों पर आसीन हैं, जो सर्वोच्च कहलाते हैं, डर से नहीं आ रहे कि आप उनको कहीं खालिस्तानी न कह दीजिए, माओवादी न कह दीजिए, नक्सली न कह दीजिए, तो आपके कहने के डर से हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? ये अधिकार आपको किसने दिया आप बताइए? सुनिए, चंद मुट्ठी भर लोग, आप पत्रकार और नेता, सरकार में बैठे जो लोग हैं, ये कैसे तय कर दीजिएगा कि आपको किसने अधिकार दिया कि आप हमको आतंकवादी कहिए टुकड़े टुकड़े? फिर दो कानून तो वापस हो गया ना, अरे फिर वही बात, वापस हो गया 50% बात मान ली, 50% आप जब आप क्यों माने, इसका मतलब आपने भी स्वीकार किया ना कि सरकार हट गई, आप ही हट जाइए। अरे हम कहते हैं पूरा का पूरा कोयला की तरह काला है, अन्ना हजारा ने भी कहा, पूरा देश का किसान कह रहा है, तो आपको काहे के लिए जिरियाल है? आप 2 रुपये के मास्क बांटने की आपकी औकात थी? नहीं थी। आपको 200 रुपये टिकट देने की अगर मजदूरों को औकात होती तो माताएं बहनें सड़कों पर बच्चों को जन्म नहीं दे रही होती, सड़कों पर बैल बनकर आदमी नहीं चल रहा होता 55-60 डिग्री टेम्परेचर में, लोग नंगे पांव घर में, आपको तो 2 रुपये की औकात नहीं थी, आप आ गए यहाँ पर भरवागिरी करने, सरकार की दलाली करने, शर्म कीजिए। आपने मास्क देश में किसी को फ्री दिया? आप PM केयर फंड में पैसा लिए, अकेला 1500-1 करोड़ रुपया टाटा ने दिया था, आप मास्क को बांट देते हैं? समझिए, आप पत्रकारिता करते हैं, इतना भी बेशर्मी मत कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए ना कि स्लीपर बोगी में अगर ट्रेन चलती है तो कोरोना होगा, बसों में कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ आदमी आ गया तो कोरोना होगा,
पत्थर पूजने से अगर कहीं भगवान मिलता तो मैं पहाड़ पूज लेता, अगर मास्क लगाने से कोरोना भाग जाता तो मैं पूरे शरीर में त्रिपाल बांध लेता। समझिए बात, आप बरगलाइए मत। लेकिन इस आंदोलन की वजह से 35,000 का नुकसान हो रहा है, दिल्ली का करोड़ का, वो आप नहीं देख रहे हैं? आप जैसे पत्रकारों को मन करता है जूता खोल के मारूं। समझिए पूछे क्यों सवाल उठता है, इसलिए जब WHO ने 31 दिसंबर को कहा तो आपने दिल्ली के चुनाव कराए, दिल्ली चुनाव में रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर ने पर्चे बांटे, फरवरी में नमस्ते ट्रंप की गई, समझिए आप ट्रंप की गुलामी की गई, 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर जो भाजपा से हैं, कौन है, स्वराज सिंह, शिवराज नहीं स्वराज, जिसके कारण उस व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में पूरे देश को कोरोना में झोंक दिया गया, तब कोरोना नहीं फैला, सुनिए पहले पत्रकारिता करते हैं, तब देश को नुकसान नहीं हो रहा था, आपको क्या करना था? आप 31 दिसंबर को WHO ने कहा और 1 जनवरी को इंटरनेशनल फ्लाइटें रोकते, मैक्सिक अस्पताल बनाते, लोगों को सैनिटाइजर मास्क घर घर मुहैया कराते, राशन मुहैया कराते, वो तो आपने किया नहीं। उनके बारे में भी तो सोचे, अरे फिर वही बात, अरे कहाँ सोचते हैं आप लोग, आप लोग सोचते हैं, अरे कुत्ता भी रोटी खाता है पत्रकार महोदय, तो मालिक के सामने पूंछ हिलाता है, आप लोग तो कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, जिस देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई होगी तो रोटी खाते हैं। फिर वही बात, फिर पर्सनल, आपने ही बोला ना, देश का प्रधानमंत्री तबलीगी जमात को बदनाम कर रहा था, इंटर 16 देशों से जो लोग आए, क्या कर रहा था नागरिक उड्डयन मंत्रालय, निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के बगल में मरकज का प्रोग्राम हो रहा था, होम सेक्रेटरी क्या कर रहा था, IBCBI रॉ क्या कर रहा था, आप ये सवाल सरकार से पूछिएगा ना, हम कोरोना चाइना से लेके आए थे। चलिए तो परेड में जाइएगा, परेड में शामिल होइएगा, परेड में जाइएगा। देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के साथ जब तक जिंदा हूँ, शरीर में सांसें चल रही है, खून है, साथ में खड़ा हूँ। आपने देखा नहीं, 2 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस के मना करने के बावजूद हमने बिहार तक की पदयात्रा 27 दिन में की थी, हमने अन्ना हजारे को जगाने का काम किया, हम मुंबई अभी 12 दिन रह के आए हैं, पूरी मुंबई के गलियों में खाक छानी है और वहाँ डिटेन भी हुआ, मैरिन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने हमसे पूछताछ भी की, हमने वहाँ भी प्रदर्शन किया है, आज भी करूँगा, कल भी करूँगा, जब तक जिंदा हूँ शरीर के खून का एक एक कतरा लगा दूँगा। सरकार की तरफ से बयान है कि बच्चे बूढ़े और औरत घर चले जाएं। अरे देखिए बरगलाइए मत और डुमरू बजा के हेलो 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 सांप को रस्सी मत बनाइए, और रुपये में साइकिल लीजिए रेडियो लीजिए बच्चा समझ जाएगा ना, वो हवा में हवा वाला मिठाई नहीं बनाइए। जब आपको लगता है, आप एक बात बताइए, आप लोगों को ये दिक्कतें नहीं दिख रही है कि देश भर के लोग आए हुए हैं, बच्चे बुजुर्ग सब आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं, देश को दूसरी गुलामी से मुक्ति दिलाने, तो आप कानून को वापस ले लीजिए ना, नहीं ले रहे इसका मतलब आप में संवेदना नाम की चीज़ नहीं है, आप कानून वापस ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा पुराना हिंदुस्तान में रहने दीजिए, हम अपनी मर्जी के फसल उगाएं, हम अपनी मर्जी की खेती करें, हम अपनी मर्जी का कपड़ा पहने, बोलें, बाधियाँ आएँ, जैसा हमारा बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देता है, आप कौन होते हैं? नड्डा कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव हो जाएगा उसके बाद चिंता करेंगे किसान, जेपी नड्डा के बाप का है देश, तब तक हम चूर बैठे रहेंगे खुले आसमान में, इतना बेशर्म है, जेपी नड्डा को शर्म नहीं आती है? अरे आप कानून वापस ले लीजिए, बंगाल में कराइए, अफ्रीका में कराइए, जहां आपको जाना है जाइए, आपको कोई रोक रहा है? आप हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? मोदी जी कहते हैं ना, घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा, तो ऐसे थोड़ा ना चलता है देश।